रिविटिंग के इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आज हम देखेंगे कि ये जो डायमंड रिविटिंग है इसके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में और जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं, अगर अभी तक आपने पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाले आपको क्वेश्चन देखने होंगे, उसके बाद ये डायमंड रिविटिंग समझ में आएगा। तो डायमंड रिविटिंग के स्टेप्स में स्टार्टिंग का पोर्शन तो बिल्कुल सेम है जहां तक हम रिविट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसमें बताया गया है कि डायमंड रिविटिंग की गई है और ये क्वेश्चन का डिटेल दे रखी है। हमें स्ट्रेंथ की जॉइंट निकालनी है और निकालनी है इफिशियंसी जॉइंट की, और इसके अलावा हमें टी यानी कि थिकनेस जो दे रखी है प्लेट की वो दे रखी है 16 mm, और इसके अलावा जो बी विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 260 mm, और जो फाई है यानी कि डाया ऑफ रिविट वो दे रखा है 24 mm। इसके अलावा एफ एस 100, एफ टी 150 और एफ बी 300, यानी कि बियरिंग स्ट्रेंथ 300 और टेयरिंग स्ट्रेंथ 150 और शेयरिंग स्ट्रेंथ 100। ये वैल्यूज या तो एग्जाम में दे रखी होंगी, और अगर नहीं दे रखी है तो आपको यही वैल्यूज लेनी है जो यहां पर लिखी है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। अब इसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग वही है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे स्टेप वन। स्टेप वन हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हम निकाले डाया ऑफ रिविट, लेकिन डाया ऑफ रिविट इन्होंने पहले ही दे रखा है, इसलिए अब हमें सेकंड स्टेप हमारा होता है डाया ऑफ होल। हमें होल का डाया निकालना है। होल का डाया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू फाइव प्लस 1.5, यानी कि फाई जो कि डाया ऑफ रिविट है उसमें हम डेढ़ ऐड कर देते हैं 1.5 mm। अगर ये 25 mm तक का फाई है तो, और फाई यानी कि ये जो 24 है ये अगर 25 से ऊपर होता यानी 26 होता 27 28 होता तो हम यहां पर 1.5 ऐड करने के बजाय 2 mm ऐड करते, तो डी हमारा आ जाएगा 24 प्लस 1.5 यानी कि 25.5 mm। अब डी यहां पर निकल चुका है। इसके बाद अब हमें सेकंड निकालना है कवर प्लेट की थिकनेस। देखिए डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिटेल आपने यहाँ पर दिखा दी आपको इन सब सबके बारे में जानकारी देनी होगी। अब ये डाया ऑफ होल हमने निकाल लिया है, थिकनेस क्या है ये कवर प्लेट की थिकनेस, ये डबल कवर बट जॉइंट दे रखा है ये, इसमें ये जो कवर प्लेट है इसकी भी थिकनेस हमें निकालनी होगी। अब थिकनेस कितनी दे रखी है इसमें, मतलब थिकनेस हमें दी नहीं है, थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है 5/8 t, जबकि टी क्या है थिकनेस ऑफ द प्लेट। 16 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा 10 mm, यानी कि ये जो कवर प्लेट है ये हमारी हो गई अब 10 mm की, और ये वाली भी कवर प्लेट हो गई है 10 mm की। अब यहां पर दोनों कवर प्लेट 10 mm की होने के बाद अब हम निकालते हैं जॉइंट की स्ट्रेंथ। अब जॉइंट की स्ट्रेंथ पहले भी कई बार बताया गया है कि जॉइंट की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो जॉइंट में क्या है, या तो है रिविट या है प्लेट, यानी कि या तो टूटेगी पहले प्लेट या फिर टूटेगा पहले रिविट, वो हम पता कर लेते हैं। अब जॉइंट की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, पहला रिविट स्ट्रेंथ, RS का मतलब है रिविट स्ट्रेंथ, और दूसरा प्लेट, यानी कि रिविट की स्ट्रेंथ कितनी है ये, दूसरा प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है ये, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। अब जो रिविट की स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आरवी। आरवी क्या है, आरवी है एक रिविट की स्ट्रेंथ कितनी है। RS क्या है, रिविट स्ट्रेंथ है, यानी कि रिविटिंग स्ट्रेंथ है, यानी टोटल जो हमने रिविटिंग लगा रखी है हमें मतलब नहीं कितने रिविट है, टोटल सबकी स्ट्रेंथ क्या है वो तो होती है हमारी RS, लेकिन RV क्या होता है, RV होता है कि जो एक रिविट है, जैसे ये एक रिविट है, इस एक रिविट की क्या स्ट्रेंथ है, तो ये होता है हमारा RV, रिविट वैल्यू इसको हम बोलते हैं। तो रिविट वैल्यू की जब हम गुणा कर देंगे नंबर ऑफ रिविट से, कितने रिविट है, तो टोटल हमारे पर निकल कर आ जाएगी टोटल रिविट की स्ट्रेंथ। अब जो रिविट वैल्यू ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो शियरिंग एक बियरिंग, यानी एक रिविट दो चीजों से टूट सकता है, या तो वो इस तरीके से टूट जाए शियरिंग में, यानी कि यहां पर उसके दो हिस्से हो जाए, या फिर वो टूट जाए बियरिंग में। अगर शियरिंग और बियरिंग समझने में यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें क्लियरली बताया गया है कि शियरिंग और बियरिंग में रिविट कैसे टूटता है। यहाँ पर अभी हम डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन को। तो शियर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो शियरिंग स्ट्रेंथ में इसमें लगेगा डबल शियर, FS2 का फॉर्मूला, यानी कि डबल शियर का फॉर्मूला। डबल शियर का फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिविट है, इस रिविट को जब ये प्लेट पर इस तरीके से फोर्स लगेगा बाहर की तरफ तो ये प्लेट जाएगी इस तरफ, तो ये प्लेट में जो ये वाले रिविट का हिस्सा है ये जाएगा इस तरफ, लेकिन जो ये जो कवर प्लेट है ऊपर और नीचे की जो कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट जुड़ी हुई है इस वाली प्लेट के साथ, और ये वाली प्लेट लेकर जाना चाह रही है इस तरफ दूसरी साइड। तो जब कवर प्लेट इस तरफ जा रही है, जब ये मेन प्लेट इस तरफ जा रही है तो ये कवर प्लेट भी इस तरफ जाएगी, और जब कवर प्लेट भी इस तरफ जा रही है इसका मतलब है यहां पर ये रिविट जाएगा इस तरफ। अब यहां पर हम देखें रिविट के बीच का हिस्सा तो जाना चाह रहा है इस तरफ, लेकिन ऊपर का और नीचे का हिस्सा जाना चाह रहा है इस तरफ, तो
इसका मतलब है ये जो दो सेक्शन बन गए, एक सेक्शन यहां पर एक सेक्शन यहां पर, ये दो सेक्शन बन गए हैं रिवेट जहां से हमारा शेयर में फेल करता है। तो इसलिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं एफ एस टू, क्योंकि यहां पर डबल शेयर हो रहा है। अब एफ एस टू का फॉर्मूला होता है पाई बाई टू डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ एस, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। एफ एस 100 सबकी वैल्यूज रखेंगे तो आंसर ये आ जाएगा हमारा 102.089 न्यूटन में, और इसको अगर हम किलो न्यूटन में अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 102.089। अब इसी तरीके से बियरिंग, अब बियरिंग में क्या होता है हमारा एक रिवेट है, जब रिवेट पे इस तरीके से प्लेट फोर्स लगाई गई आगे को, जैसे ये वाली प्लेट है तो ये, अभी हम इस रिवेट की बात कर लेते हैं, ये भी प्लेट जाएगी इस तरफ तो सारा फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। कई बार क्या होता है कि रिवेट ना टूटता नहीं है शेयर में, लेकिन यहां से डैमेज हो जाता है, आप कह सकते हैं कि यहां से ये कंप्रेस हो सकता है, पिचक सकता है एक तरीके से। तो बियरिंग अगर हम निकालेंगे इसकी, तो एफ बी का फॉर्मूला क्या है, डी इंटू टी इंटू एफ बी, वैल्यू रखेंगे डी की 25.5 अभी हमने निकाली है, टी की वैल्यू 16 दे रखी है 16 mm, और एफ बी 300। टोटल अगर हम रखेंगे तो ये हमारा आ गया 122400 न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन में अगर हम कर देंगे तो 0.4 किलो न्यूटन। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिवेट की अगर हम वैल्यू देखें, यानी कीमत क्या है उसकी, तो एक रिवेट की वैल्यू में बियरिंग में वो टूट रहा है 122 पर, लेकिन शेयरिंग में वो टूट रहा है 102 पर। और जब आपको पता है ये एक रिवेट है, ये एक रिवेट बियरिंग में टूट रहा है 122 पर, शेयरिंग में टूट जाएगा 102 किलो न्यूटन पर ही, तो आप किसी को बताएंगे तो क्या स्ट्रेंथ बताएंगे इसकी? 122 तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर 122 बताएंगे तो 102 पे तो हमारा टूट रहा है शेयरिंग में, किसी भी मोड में टूटे, शेयरिंग में टूटे या बियरिंग में टूटे, रिवेट तो बेकार हो जाना है। तो इसलिए रिवेट की जो स्ट्रेंथ हो गई आरवी वो कितनी हो गई 102। तो ये जो वैल्यू हो गई, तो आरवी कितना हो गया, आरवी हो गया 102.089 किलो न्यूटन। अब देखिए आरवी की वैल्यू आ गई है 102.089। अब अगर हम निकालेंगे रिवेट की स्ट्रेंथ, यानी टोटल रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो टोटल रिवेट की स्ट्रेंथ में हम आरवी लेते हैं, यानी ये वैल्यू 102.089 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट्स। अब यहां बात आती है कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने, देखिए टोटल अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, टोटल है 12, लेकिन अब हम कितने ले, तो हमें मतलब होता है कि जो एक मेन प्लेट है उसमें कितने रिवेट लग रहे हैं। अगर हम मेन प्लेट पर देखें तो ये प्लेट अलग है, यहां पे इस तरीके से जॉइंट है, ये जो दिख रहा है ये जॉइंट है, ये मेन प्लेट अलग है ये वाली, और ये वाली मेन प्लेट अलग है, ये दोनों अलग प्लेट है, और दोनों प्लेट को हमने जॉइन किया है इस तरीके से कवर प्लेट के द्वारा। जैसे हम यहां पर देखें तो ये एक कवर प्लेट हो गई, ये एक हो गई मेन प्लेट, एक ये हो गई मेन प्लेट, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों को अब इस तरीके से हम जोड़ के रख नहीं सकते, तो हमने एक कवर प्लेट लगाई यहां, एक कवर प्लेट लगाई यहां। लेकिन अगर हम एक मेन प्लेट की बात करें, 6 रिवेट इस तरफ है, 6 रिवेट इस तरफ है, तो एक मेन प्लेट में रिवेट कितने लग रहे हैं हमारे, 6। तो इसलिए जो नंबर ऑफ रिवेट की वैल्यू आ गई वो हो गई 6। अगर लैप जॉइंट होने की, अगर यही बेड जॉइंट होने की बजाय लैप जॉइंट होता तो ये इस तरीके से होता जॉइंट। अब यहां पर अगर 12 रिवेट होते तो वो 12 रिवेट ऊपर वाली प्लेट के लिए भी होते, नीचे वाली प्लेट के लिए भी होते, तो वहां पर नंबर ऑफ रिवेट टोटल 12 ही होते। लेकिन यहां पर क्या है, एक मेन प्लेट में कितने रिवेट लग रहे हैं, तो एक मेन प्लेट में रिवेट लग रहे हैं 6, इसलिए यहां पर हम लेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स इज इक्वल टू 6। अब इसकी अब हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कितनी है रिवेट की स्ट्रेंथ। अब रिवेट की स्ट्रेंथ इसमें निकालने के बाद अब बात आती है कि प्लेट की स्ट्रेंथ अब इसमें किस तरीके से निकालते हैं, और प्लेट की स्ट्रेंथ में इसमें निकालने में डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए इस वजह से है, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, उसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरी प्लेट थी उसकी स्ट्रेंथ ही ज्यादा, लेकिन हमने लगाया रिवेट लगाया, तो रिवेट लगाने की वजह से हमें करने पड़े होल, क्योंकि प्लेट के अंदर अब होल हो गए हैं, तो होल होने की वजह से वहां का एरिया हो गया माइनस। ये अगर हम एरिया की बात करें, एरिया हो गया है माइनस, क्योंकि एरिया माइनस हो गया तो यहां की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, यानी कि अब ये रिवेट इस क्रॉस सेक्शन से टूट सकता है आराम से। लेकिन यहां पर एक रिवेट है, एक ये क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये प्लेट इस तरीके से भी टूट सकती है, यहां से जो मेन प्लेट है यहां से टूट सकती है, क्योंकि यहां पर रिवेट दो है, एक रिवेट ये एक रिवेट ये, तो एरिया और ज्यादा माइनस हो गया यहां पर। लेकिन एक सेक्शन और बनता है हमारा, कौन सा, एक ये हो सकता है हमारा रिवेट, हमारा जो प्लेट है वो यहां से टूट जाए,
यह मेन प्लेट की बात कर रहे हैं, कवर प्लेट की बात नहीं चली, ये मेन प्लेट की बात चल रही है, तो यहां से भी टूट सकता है। तो ये है क्रॉस सेक्शन नंबर वन, ये है क्रॉस सेक्शन नंबर टू, ये है क्रॉस सेक्शन नंबर थ्री। अब देखिए यहां पर हमारी आरवी तो आ चुकी है, यानी कि रिवेट वैल्यू तो आ चुकी है 102। अब हमें निकालनी है टियरिंग ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट कैसे टूटेगी अगर हमने रिवेट में होल कर रखे हैं। अब देखिए इसमें तीन सेक्शन बनते हैं। पहला सेक्शन हमारा ये है कि ये इस सेक्शन में टूट जाए, जिसको हमने बोल दिया सेक्शन नंबर वन, कि प्लेट इस तरीके से टूट जाए। ध्यान रखना यहां पर जो हम प्लेट टूटने की बात कर रहे हैं वो हम इसकी मेन प्लेट की बात कर रहे हैं, कोई किसी कवर प्लेट की बात नहीं हो रही, ना ही नीचे वाली कवर प्लेट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हम मेन प्लेट की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो कवर प्लेट है ऊपर, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये कवर प्लेट की बाउंड्री है, इसको अभी आप नेगलेक्ट कर दें यहाँ पर। तो ये जो मेन प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम खींचे इस समय यहाँ पर अगर फोर्स लगाया जाए, तो ये जो प्लेट टूटेगी, रिवेट की बात नहीं चल रही है, प्लेट जिस स्ट्रेंथ पर टूटेगी वो है हमारा प्लेट की स्ट्रेंथ, यानी कि टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब इसमें क्या है, यहां पर कर देगा होल, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन हो चुका है कम, तो या तो ये प्लेट टूट सकती है यहां पर, ये इस क्रॉस सेक्शन पर टूट सकती है, या फिर ये जो क्रॉस सेक्शन ये वाला है, ये इस क्रॉस सेक्शन पर ही टूट सकती है, क्रॉस सेक्शन सेकंड पर, या फिर थर्ड पर टूट सकती है, कि ये क्रॉस सेक्शन है एयर, और ये यहां से इस तरीके से अलग हो जाए प्लेट। तो ये तीन टाइप के क्रॉस सेक्शन है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम FT1 यानी कि टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, और वन हमने लिखा है क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन वन की बात कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन वन की बात कर रहे हैं क्योंकि। तो अब यहां पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये इस तरीके से रिवेट है, ये भी एक रिवेट है, ये भी एक रिवेट है, इस तरीके से। असल में रिवेट यहां पर थे, लेकिन अभी हम सिर्फ उसे प्लेट की बात कर रहे हैं, इसलिए रिवेट है या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिवेट के करने के लिए, रिवेट लगाने के लिए जो हमें डाया ऑफ होल बनाना पड़ा है, यानी जो हमें डी यानी कि डाया ऑफ होल हमने किया है, वो होल तो इसमें अवेलेबल है ही है प्लेट में, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। तो अब यहां पर अगर ये क्रॉस सेक्शन नंबर वन पर टूटेगी, तो देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा, ये पूरी पूरी प्लेट जुड़ी रहेगी कहां से, जॉइंट से, लेकिन जो ये वाली मेन प्लेट का ये वाला हिस्सा है जो क्रॉस सेक्शन वन से क्रॉस हो रहा था, ये क्रॉस सेक्शन वन जो एक रिवेट से, ये यहां से इस तरीके से एक हिस्से में अलग हो जाएगा। तो अभी हम पहले देखेंगे, सबसे पहले इस क्रॉस सेक्शन की क्या स्ट्रेंथ आ रही है, तो इसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालेंगे हम, टोटल है बी, ये टोटल था यहां से यहां तक, टोटल था ये बी, इस बी में से हम माइनस कर देंगे ये डी, क्योंकि जो हमारा क्रॉस सेक्शन गायब हुआ है वो हुआ है ये बीच बीच वाला डी डी, ये है डी, तो बी माइनस डी। अब ये तो इसकी लंबाई आ गई, बी माइनस डी मतलब हटा दिया, माइनस कर दिया। अब इसकी आएगी थिकनेस से गुणा होगी, क्योंकि हमें निकालना है टोटल एरिया, ये इस तरीके से एरिया होगा ना एक, ये एरिया होगा, इसी तरीके से यहां पर भी ये एरिया होगा एक पूरा, इस तरीके से। तो ये पूरा एरिया एरिया निकालना है हमें साइड का, ये पूरा। तो ये किस तरीके से होगा, बी माइनस डी, और इसकी हम गुणा कर देंगे फिर टी से, टी, अब बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई टी, और गुणा फिर जितनी भी इसकी स्ट्रेस है हमारी एफ टी है 150। इस सब की वैल्यू रखने के बाद क्या आया हमारा, ये आया 562। इसका मतलब जो पहला क्रॉस सेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 562.8 किलो न्यूटन। ये किसकी आ रही है, क्रॉस सेक्शन वन की। अब हम इसी तरीके से हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन टू। क्रॉस सेक्शन वन तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को अभी पढ़ रखा है, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी भी समझा, लेकिन अब जो क्रॉस सेक्शन सेकंड है यहां से एक नया कॉन्सेप्ट पता। अब देखिए, अब अगर हम क्रॉस सेक्शन सेकंड की तरफ देखें, क्रॉस सेक्शन सेकंड यानी कि इस तरीके से ये टूट रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमने बनाया है क्रॉस सेक्शन सेकंड का डायग्राम। क्रॉस सेक्शन सेकंड में ये प्लेट ज्यादा दूर दिखा दी गई है, जबकि इतनी दूर नहीं, हमें सिर्फ फेलियर दिखाना था, इसलिए मान लीजिए कि ये प्लेट थोड़ी पास है, लेकिन दोनों अलग हो चुकी हैं आपस में। कहां से अलग हुई है, ये जहां पर ये रिवेट सेकंड लग रहे थे, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन सेकंड है यहां से अलग हो चुकी है। अब फोर्स लग रहा है इस तरीके से, यहां पर एक लग रहा है फोर्स। अब देखिए जो फोर्स था, इस फोर्स को रेजिस्ट कर कौन रहा है, तो यहां पर ये तो हम निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले निकाला था, बी यानी टोटल विड्थ माइनस टू टू डी। दो डी क्यों आया, क्योंकि एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, तो बी माइनस टू डी इंटू टी यानी कि थिकनेस ऑफ द प्लेट वही सेम, और मल्टीप्लाइड बाई एफ टी जो इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके बाद हमने इसमें आरवी ऐड कर दिया, आरवी यानी कि रिवेट की वैल्यू ऐड कर दी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम माने, हम ये देखें, ये एक एक प्लेट है, ये एक फोर्स इस तरीके से खींच रहा है इसको, हमने माना है कि ये जो रिवेट सेकंड थे यानी दो रिवेट थे, यहां से प्लेट हमारी टूट चुकी है। जब प्लेट यहां से टूट चुकी है, उसके बाद भी अगर आप मान लें कि यहां से प्लेट का बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया, तब भी क्या हम इसको एफ बराबर जीरो पर खींच पाएंगे, यानी क्या हम जीरो फोर्स पर खींच लेंगे इस प्लेट को बाहर, नहीं खींच पाएंगे। क्यों,
क्योंकि यहां से प्लेट भले ही टूट गई है लेकिन यहां से अभी यह रिवेट बाकी है। अभी एक रिवेट जो ये वाला रिवेट है, ये रिवेट अभी लगा हुआ है। इसका मतलब अगर यहां से क्रॉस सेक्शन पूरी तरीके से टूट भी जाए तो भी हमें जीरो फोर्स पर इस प्लेट को पीछे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये रिवेट लगा हुआ है। और ये रिवेट कब तक टूटेगा नहीं, जो कि हमने रिवेट की स्ट्रेंथ निकाली थी, रिवेट की स्ट्रेंथ थी 102 किलोन्यूटन। इसका मतलब है कि यहां से प्लेट टूटने के बाद भी यहां से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमें 102 किलोन्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि एक रिवेट का फोर्स है, क्योंकि यहां पर एक रिवेट लगा हुआ है। तो ये बात समझने वाली है इसमें कि क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद भी जो पीछे की साइड रिवेट आ रहा है, जो कि इस प्लेट को रोक रहा है, अब भी स्ट्रेंथ दे रहा है टूटने के बाद भी, उसकी हमें वैल्यू ऐड करनी जरूरी है। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई एफटी की, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है वो तो है ही है, प्लस उसके साथ जो ये रिवेट की, एक रिवेट की वैल्यू है ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, यानी 1 into RV यानी कि 102 किलोन्यूटन। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 603.68 यानी कि 603.68। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको 603.68 किलोन्यूटन। यह है सेकंड क्रॉस सेक्शन का। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे अब थर्ड, तीसरे जो क्रॉस सेक्शन है, यहां से अगर प्लेट टूटेगी, टीयरिंग होगा प्लेट का, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो प्लेट का ये वाला हिस्सा है वो तो रहेगा वहीं, हम प्लेट को इस तरीके से खींच रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन कम कितना हो गया, टोटल बी माइनस 3D, क्योंकि एक डी ये है, एक डी ये है, एक डी है, तीन डी इसमें खत्म हो गए हमारे। तो बी माइनस 3D मल्टीप्लाइड बाई टी, वही पहले की तरह इंटू एफटी, यहां तक तो सेम है। और इसके बाद अगर ये प्लेट पूरी तरीके से टूट भी जाती है तो भी यहां पर ये एक दो तीन, तीन रिवेट हैं जो कि प्लेट को फिर भी निकलने नहीं देंगे। इसका मतलब तीन रिवेट की स्ट्रेंथ और है इसके पास एक्स्ट्रा। तो हम यहां पर इसके बाद प्लस ऐड कर देंगे 3 into RV, और टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 746.66, यानी कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ क्या आई है 562, और इसकी 603, और इसकी 746। अब यहां पर अगर हम तीनों क्रॉस सेक्शन को कंपेयर करते हैं तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है, क्रॉस सेक्शन नंबर 1 की, इसका मतलब 562.8। तो जब क्रॉस सेक्शन 1 की है तो हम एफटी कितनी मानेंगे, तो हम ये लिखेंगे टेकिंग एफटी इज इक्वल टू, जो सबसे कम होगी वो हम मानेंगे, यानी कि 562.8, ये है एफटी। अब हमारे पास एफटी भी निकल कर आ गई है, और हमारे पास रिवेट वैल्यू तो पहले ही आ गई थी, क्योंकि हमारे पास रिवेट वैल्यू है 102, आरवी है 102, और इसलिए हम आरएस निकाल लेंगे, यानी कि रिवेटिंग स्ट्रेंथ। रिवेटिंग स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, आरवी की गुणा कर देंगे हम 6 से, क्योंकि रिवेट टोटल कितने 6 है, यानी आरवी इंटू नंबर ऑफ रिवेट। तो 102 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 612। अब देखिए रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी है 612, और प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है 562। मतलब कि टोटल जो रिविटिंग है हमने लगाए हैं रिविट, अगर हम फोर्स लगाते जाएंगे तो जब जैसे ही हमारा फोर्स पहुंचेगा 562 पे, क्योंकि ये फोर्स कम है, तुरंत हमारी प्लेट टूट जाएगी। और कहां से टूटेगी, क्रॉस सेक्शन 1 से टूटेगी प्लेट, क्योंकि 562 की स्ट्रेंथ पर प्लेट टूट जाएगी, वो भी किस क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन 1 से। और हम और फोर्स बढ़ाते जाएंगे अगर तो 612 पर टूटेंगे रिविट, लेकिन 612 तक फोर्स हमारा पहुंच ही नहीं सकता कभी भी इस जॉइंट का, क्योंकि 562 पर प्लेट टूट जानी है, वो भी क्रॉस सेक्शन 1 से। इसका मतलब जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कितनी है, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ बैठी है 562.8 किलोन्यूटन, ये आ गई है जॉइंट की स्ट्रेंथ। अब जॉइंट की स्ट्रेंथ जब ये आ गई है, अब हमारे पास बस एक फाइनल टर्म रह गई है निकालने के लिए, वो है इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट। यहां पर हमारे पास जॉइंट की स्ट्रेंथ तो आ चुकी है 562.8 किलोन्यूटन, अब हमें इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, यानी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ क्या है। हमें हमारे पास जो भी व्यक्ति आया जॉइंट लगवाने, उसने हमसे सिर्फ इतना कहा है कि ये लीजिए प्लेट और इस प्लेट पर जॉइंट लगा दीजिए। प्लेट कैसी थी, प्लेट थी 260, यानी कि विड्थ में थी 260 और थिकनेस में कितनी थी 16, यानी 260 गुणा 16 की उसने हमें एक प्लेट ला कर दी। 260 गुणा 16 की, यानी कि इस प्लेट की स्ट्रेंथ क्या थी अगर हम निकालें, तो टोटल प्लेट जब इसमें कोई भी होल नहीं था, सिर्फ वो हमारे पास प्लेट आई ही आई थी उस समय, बी यानी कि 260 गुणा टी,
टी यानी कि थिकनेस, और होल कोई था ही नहीं क्योंकि अभी नई प्लेट है, तो बी इंटू टी इंटू एफ टी, एफ टी यानी कि वही 150 एमपीए टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। जब हमने बी इंटू टी किया यानी कि एरिया निकाला इसका और उसके बाद टी से एफ टी से गुणा किया तो हमारे पास आया 624 किलोन्यूटन। इसका मतलब जो प्लेट स्टार्टिंग में आई थी वो कितने की आई थी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 624 किलोन्यूटन, यानी 624 किलोन्यूटन तक का ये लोड झेल सकती थी ये प्लेट। लेकिन हमने जो जॉइंट लगाकर दिया है, टोटल हमने कुछ भी किया लेकिन हमने जॉइंट लगाकर जो दिया है, उस जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी बताई है हमने, 562 किलोन्यूटन। अब इसका मतलब 624 किलोन्यूटन की वो प्लेट लेकर आया था और हमने उससे कहा कि हमने ये जॉइंट लगाकर दे दिया है और आप इसमें 562.8 किलोन्यूटन से ज्यादा का फोर्स मत लगाना। अब उसका तो लॉस हो गया, हमने रिवेट लगाया या बोल्ट लगाया या फिर वेल्डिंग करते सब हमारे ऊपर था, लेकिन हमने फिर भी उसकी प्लेट की इतनी स्ट्रेंथ का लॉस कर दिया है, लगभग 50 से 70 हमने स्ट्रेंथ का उसकी लॉस कर दिया है। तो उसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इफिशियंसी निकालते हैं। उस इफिशियंसी में हम ऊपर लिखते हैं जॉइंट की स्ट्रेंथ जो हमने दी है बना के 562.8 जॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई जो टोटल स्ट्रेंथ थी सॉलिड प्लेट की, जब प्लेट आई थी जब उसमें एक भी जॉइंट नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 624 और गुणा करते हैं 100 से, क्योंकि इफिशियंसी निकालते हैं तो हम हमेशा परसेंटेज में ही निकालते हैं। इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 90.19%। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 90%। अगर हम देखें तो 90% को हमने यूटिलाइज किया, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी प्लेट की उसकी 90% स्ट्रेंथ तक का हमने जॉइंट बनाकर दे दिया है, लेकिन 10% का लॉस हो गया है। और जो कि हमने पहले ही बताया था कि 90% जो सबसे ज्यादा इफिशियंसी देता है वो देता है ये वाला जॉइंट जो कि है डायमंड रिवेटिंग। और इसके अलावा अगर आप चेन रिवेटिंग करेंगे या फिर जिगजैग रिवेटिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा परसेंट इफिशियंसी कम ही आएगी। उससे पहले के अब तक हम जितने भी कर रहे थे उनकी सबकी 60% के आसपास इफिशियंसी बैठ रही थी, लेकिन इसकी पहली बार 90% आई है। और कोई अगर पूछे कि स्टील में अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी बैठती है, तो वो बैठती है वेल्डिंग की, क्योंकि वेल्डिंग में जरा सा भी लॉस नहीं होता, डायरेक्टली मेंबर को जोड़ दिया जाता है, उसमें कोई होल नहीं करना पड़ता, इसलिए प्लेट का कोई भी लॉस नहीं होता। तो केवल और केवल वेल्डिंग ही है जो कि हमें फुल स्ट्रेंथ 100% प्रोवाइड करा देती है। अब यहाँ पर हमारा रिवेटेड कनेक्शन खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोल्टेड कनेक्शन। उसके लिए हमें IS कोड की जरूरत होगी, IS 800 2007, क्योंकि अब हम अब से यहाँ मेन स्टील की तरफ बढ़ चुके हैं और इसमें ये कोड का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि मेथड लगता है लिमिट स्टेट मेथड। केवल केवल ये रिवेटेड कनेक्शन है जो हम वर्किंग स्ट्रेस पर करते हैं, बाकी आगे से जितना भी पूरा स्टील है वो पूरा पूरा लिमिट स्टेट मेथड पर चलेगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोड है IS 800 2007।